अस्सलामुअलैकुम, टीवीएन 99 में आपका इस्तकबाल है। कोविड 19 की वैक्सीन के गाइडलाइंस। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे की निगरानी। वैक्सीन के कमरे में इनफरादी तौर पर दाखिला व रहनुमा मरकज ने जो हिदायत में बयान किया है, मरकज ने वाजे किया है कि कोविड 19 टीका लगाने के दौरान भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये वाजे किया गया था कि एक बार सिर्फ एक फ़ायदा उठाने वाले को कमरे में जाने दिया जाए। वैक्सीनेशन टीम ने बताया कि आधे घंटे तक इंतज़ार करें ताकि मालूम हो कि इसका कोई मौजर असरात है या नहीं। हुकूमत एक वसी रेंज डालने की तैयारी कर रही है। इन अशियाओं को इस मौजू पर जारी तफसीली रहनुमा खतूत में शामिल किया है। इनके मुताबिक वैक्सीन से फ़ायदा उठाने वाले को पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोविड विलान इंटेलिजेंस नेटवर्क VIN के साथ अंदराज करना होगा, ताकि मुस्तकिल फ़ायदा उठाने वालों से वैक्सीनेशन और एंटीवायरस वैक्सीन को हकीकी वक्त की बुनियाद पर तलाश किया जा सके। वोटर का शिनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेजात समेत पासपोर्ट साइज फोटो को VIN वेबसाइट पर खुद अंदराज करना होगा। वैक्सीनेशन साइट पर सिर्फ पहले से रजिस्ट्रेशन मुस्तफिद अफराद को ही तरजीह के मुताबिक टीका लगाया जाएगा और स्पॉट रजिस्ट्रेशन पर कोई इंतजाम नहीं होगा। रियासतों से कहा गया है कि वो वैक्सीन एक साथ एक सनद कार से ज़िला को मुख्तस करें, ताकि मुख्तलिफ वैक्सीनों को मिलने से रोका जा सके। वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन शीशियां या आइस पैक को रास्त सूरज की रोशनी तक बेनकाब से बचने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। फेस वन में सिर्फ 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, उनमें से हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और जिसकी उम्र 50 से ज़्यादा हो।